राम राम जी। आज है 8 अक्टूबर 2022 और अभी दारचूला में है। दारचूला में यहाँ पे यहाँ से आगे ना आदि कैलाश पर्वत के लिए जा सकते हैं, तो जिसके लिए ना आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। परमिट के लिए ना आप यहाँ पे अपने आप भी बनवा सकते हो, लेकिन उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कुछ बंदे होते हैं उनके थ्रू आप बनवा सकते हो परमिट। तो उनका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले आपको दारचूला में आना पड़ेगा। दारचूला में आने के बाद सबसे पहले आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। आप मेडिकल घर से भी करवा के आ सकते हो, वो एक हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो लेट चल जाता है, लेकिन मोस्टली एक हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। मेडिकल कराने के बाद आप किसी भी बंदे को पकड़ लो, वो कोई 500 रुपये लेता, कोई 600 रुपये लेता, कोई 800 रुपये लेता है। हमसे आप 500 रुपये लिए थे, नीचे ना एक एडवोकेट जी हैं, उनका नीचे नंबर डाल देंगे, आप उनसे फ़ोन पे बात कर लेना। और अगर आप अपने आप बनवाना चाहते हो तो यहाँ पे ये तहसील है, यहाँ पे आप बनवा सकते हो। उसकी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपको मेडिकल बनवाना। मेडिकल में 28 रुपये की पहली पर्ची कटेगी, जैसे अपने वहाँ पे 5 रुपये लगते हैं ना, वैसे 28 रुपये की पर्ची कटेगी। 28 रुपये की पर्ची के बाद जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो 150 रुपये फीस लेता है, सरकारी फीस है, दोनों सरकारी फीस है। तो लेने के बाद आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे दो। डॉक्यूमेंट्स में क्या करेंगे, 2 आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, एक आपका फ़ोटो चाहिए, एक वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, एक डोज और डबल डोज हो, उसका कोई वो नहीं कि ये कंपलसरी, लेकिन डबल डोज तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं था। एक डोज तब भी चल जाएगा वो लेके। और यहाँ पे जो मैं एडवोकेट बता रहा हूँ, या आप किसी भी बंदे से, मैं 2-3 बंदों के नीचे नंबर डाल दूँगा, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स पहले भी दे सकते हो। उसके बाद वो बंदा क्या करेगा, ऑनलाइन फॉर्म जमा करेगा। ऑनलाइन की फ़ीस है 200 रुपये, जो ऑनलाइन वो सारा काम उनका, आपका कुछ काम नहीं है, आपको बस मेडिकल करा के देना है। 200 रुपये वो फीस लेते हैं और 300 रुपये अपनी फ़ीस लेते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म जमा करेंगे सारी चीज़। उसके बाद एक एफिडेविट बनता है, एफिडेविट भी अपने आप खुद बनाएंगे। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो भी अपने आप खुद कराएंगे। ये सारे काम करा के आपके उस बस एफिडेविट पे साइन लेंगे दोबारा और आपका परमिट मिल जाएगा। ये ऐसा कुछ प्रोसेस है। इसमें आप अगर बचना चाहते हो ना, तो आने से 2-3 दिन पहले मंजिल बंदों के नंबर देना, आप उनसे फ़ोन पे बात कर लेना और डायरेक्ट उनको डॉक्यूमेंट्स भेज देना। वो तब आप आओगे, पहले ही सारी चीज़ बनी मिलेगी। यहाँ पे आके वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो 1-2-3 दिन वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार आगे से ऊपर से रास्ता ख़राब होता ना, तो जिसके कारण ये परमिशन नहीं देते। जैसे अभी हमें 6, 7 और 8 3 दिन का रेड अलर्ट दे रखा, तो इस टाइम पे SDM साहब परमिशन नहीं देते। लेकिन अगर थोड़ा सा वो होता, मौसम साफ हो या चल रही हो यात्रा, तो दे देते। तो एक हफ्ता पहले अगर आप वो दे दोगे ना, तो परमिशन आसानी से मिल जाएगी। ये कुछ प्रोसेस ज़्यादा वो नहीं है, लंबा नहीं है, लेकिन अगर अपने आप कराओगे तो जैसे 180 रुपये के आसपास आपका मेडिकल में लगेगा। उसके बाद 200 रुपये ऑनलाइन फ़ीस है। उसके बाद एफिडेविट में 10-20 रुपये लेंगे, इतना ही लगेगा। और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ नहीं लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको पुलिस में जा, कोर्ट उसमें जाना, पुलिस थाने में जाना। तो ये प्रोसेस है, आप कर सकते हो। तो चलो, इस वीडियो में बस इतना ही था, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।